नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, नारद जयंती पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक माननीय अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि ब्रह्मांड नायक देव ऋषि नारद, ऋषि का अर्थ है जो अपेक्षा कामना से मुक्त होकर तिरस्कार पुरस्कार की भावना से मुक्त होकर समग्र लोक मंगल के काम में संलग्न रहते हैं, वह ऋषि हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आज आप नारद जी की जयंती है और नारद जी की जयंती पर हम समय जगत समूह के प्रधान संपादक माननीय अशोक त्रिपाठी जी के विचार जानेंगे। सर, आज देव ऋषि नारद जी की व्यक्तित्व और कृतित्व पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें जी, बताएं। जी बताएं सर, देव ऋषि नारद जी की व्यक्तित्व पर, कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। शब्दों में यदि हम कहें जी कि ब्रह्मांड नायक देवर्षि नारद जी जो हैं जी, ये शब्द आएगा ऋषि। ऋषि का अर्थ है जी जो अपेक्षा कामना से मुक्त होकर, तिरस्कार पुरस्कार की भावना से मुक्त होकर समग्र लोक मंगल के काम में जो संलग्न रहता है जी, वो ऋषि है जी। जी, और तो देवताओं को भी इस प्रकार का मार्गदर्शन करें वो देवर्षि होगा जी। जी, और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि नारद जी ने अपने जीवन में कभी किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं की जी, और किसी तिरस्कार की चिंता नहीं की जी। यश अपयश से परे, अपेक्षा कामना से मुक्त। तो सच्चे अर्थ में देखा जाए, जैसे आज की पत्रकारिता में सामान्य लोग कह देते हैं कि फला जनपद में भी फला अधिकारी ऐसा है, शक्तिमान हो गया, वो हवा में उड़ रहा है जी। देवर्षि नारद तो वो प्रचंड शक्ति रहे हैं या उनकी निष्पक्षण जिस तरह में भूत ताकत रही है कि ब्रह्मांड में रहने वाले देवताओं को उन्होंने धरती पर अवतर होने को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। और आज यदि आपकी समग्र लोक कल्याण का भाव है, दलित शोषित पीड़ित के मंगल का भाव है जी, तो पत्रकारिता की सार्थकता ही इसी में है जी। समग्र लोक मंगल के लिए जी, सहज चर्चा में लोग बात करते हैं कि कोई भी शक्ति निष्पक्षता और निर्भीकता से बड़ी नहीं होती जी। तो उनके कृतित्व का अनुसरण करना जी और समग्र लोक मंगल के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ जी देव शक्तियों तक को विवश करना जी, वो नारद जी के कृतित्व का अनुसरण करना ही पत्रकारिता की सार्थकता है जी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।